नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और राजपथ पर आज गणतंत्र के गौरव भरे रंग एक बार फिर बिखर अभी चल खड़े रहे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का शुभारंभ हो रहा है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुनों के साथ मार्च करेंगे और इस तरह गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र समारोह में जवानों की बैरक वापसी की प्रतीक है। जब राजपथ पर सैन्य धुनें बजती हैं तो सेना के शौर्य का एहसास होता है और वो एहसास आज आपको घर बैठे होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी बेटी के साथ। इसके अलावा तमाम मेहमान इस समय जो इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के गवाह बनने के लिए दिल्ली में पहुंच चुके हैं। Cymbals, trumpets, horns and trombones. The military bands will enthrall and enchant with a seamless blend of slow and quick marches moving effortlessly from a reel to a hymn. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh aur unke saath Raksha Rajya Mantri Shripad Yesu Naik ji aur Bharat ke CDS General Rawat aur teenon senaon ke adhyaksh aur Raksha Sachiv प्रतीक्षा में एक एक करके यहां गणमान्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है और यहां उत्सुक जन समूह। जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तर भारत में इस बार सर्दियां लंबी और सर्दियां बहुत ज्यादा। उसकी पूरी तैयारी के साथ, उत्सुकता के साथ यहां बड़ी संख्या में दर्शक और विशिष्ट तथा गणमान्य व्यक्ति अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। बीटिंग रिट्रीट, जैसा कि हमने आपको बताया, उसके बारे में इतिहास के पन्नों में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। और ड्रमर्स कॉल की अगर हम बात करते हैं, यानी ड्रम वादन, ये उन दिनों की यादगार है जब शहरों और कस्बों में तैनात सैनिकों को शाम के समय एक तय समय पर उनके सैन्य शिविरों में बुला लिया जाता था। वर्तमान में परंपरा और आधुनिकता का अत्यंत सुंदर मिश्रण है ये समारोह बीटिंग रिट्रीट। दुनिया भर की सेनाओं में सैन्य संगीत की एक प्राचीन परंपरा रही है। वीर रस की उत्पत्ति के लिए सैन्य संगीत का भरपूर इस्तेमाल सदियों से किया जाता है। सैन्य संगीत के गुणों और विशेषताओं का वर्णन भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विस्तार से किया है। उन्होंने संगीत को ईश्वरीय रचना कहा जो हृदय और आत्मा को स्पर्श करती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि सैनिकों का काम तो युद्ध लड़ना है, वो संगीत के क्षेत्र में क्या करेंगे, लेकिन जब हम अपने इन सैनिकों के द्वारा इस संगीत को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वीरता के साथ उनके दिलों में संगीत का दरिया भी बहता है। Absolutely. And as we pan the crowd for you across all demographics, across all age groups, music. तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली से। पुराने जमाने में भारत ने शंख, तुरही, नगाड़ा और रणभेरियां युद्ध के दौरान जोश बढ़ाने का काम करती थी और संगीत तमाम युद्धों का अहम हिस्सा रहता था। लेकिन आज हम जिस भारतीय मिलिट्री बैंड को जानते हैं उसकी कहानी ब्रिटिश मिलिट्री बैंड की परंपरा से जुड़ी हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ दो मेहमान आज इस पूरे कवरेज के दौरान रहेंगे। हमारे साथ पी के मिश्रा हैं जो कि पूर्व डीजी हैं बीएसएफ के। स्वागत है मिश्रा जी आपका स्टूडियो में एक बार फिर से। और मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश सहाय हमारे साथ यहां आ गए हैं स्टूडियो में, जो आपको और जानकारी देंगे विस्तार से इस बीटिंग रिट्रीट की परंपरा के बारे में। मिश्रा जी, बीटिंग द रिट्रीट मैं बता रहा हूं, जब पहले तो ये शुरू हुआ 1950 पे, और इसके पहले बीटिंग द रिट्रीट के बारे में आप बता रहे थे कि जब लड़ाई होता था, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख ले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख ले, उसके बाद उसके पहले हम इंडिया में देख लिए, जब लड़ाई हुआ था तब सैन्य जो है अपना छावनी को लड़ाई करने के बाद शाम को, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, उसमें जब ही शाम होता था सूर्यास्त हो जाते थे तो शंखनाद होता था। शंखनाद के समय ये हमारे जो ट्रूप्स थे
वो रेस्ट करने के लिए अपने बैरक को अपने छावनी को चले जाते, अस्त्र शस्त्र थे उसको रख करके रेस्ट करते थे। अब ये परंपरा अभी चलते आ रहा है और ये अच्छे से इंडिया में शुरू हुआ 1955 में, जब पहला रिपब्लिक डे हुआ, जब सुकर्णो जी आए थे प्रेसिडेंट इंडोनेशिया, सुकर्णो ही वाज द फर्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर इन रिपब्लिक डे। तब तब का मेरे को पता है, तब जो वहां पर मीटिंग द रिट्रीट हुआ था विजय चौक पर, ये बड़ा शानदार था। अब वो पद्धति जो है आज भी चलते आ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइविंग एट विजय चौक न्यू दिल्ली। टुडे इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस डे इन इंडिया because Basant Panchmi celebrations begin today. जी वो है हमारा CDS जो कि लास्ट टाइम नहीं थे। ये चीज मोदी यहां पर पहुंचे हैं, उनका काफिला पहुंचा है यहां पर, और बीटिंग द रिट्रीट के साथ साथ आज रोहित बसंत पंचमी का भी, तो इससे बेहतर क्या सहयोग हो सकता था कि यहां पर एक तरह से समापन औपचारिक तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए CDS से हाथ मिलाते हुए और उसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख से, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज है, जिस पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है जनरल सहाय, वो ये कि क्या भारतीयकरण होना चाहिए इन उत्सवों का या फिर नहीं, क्योंकि अबाइड विथ मी को कभी भी खत्म नहीं किया जा रहा था, वंदे मातरम ऐड किया जा रहा था, क्या इस पर इतनी आपत्ति होनी चाहिए या धीरे धीरे सेना का स्वरूप बदल रहा है, हम और ज्यादा कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो क्यों नहीं उस संस्कृति को भी उसका हिस्सा बनाया जाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट आज के मीटिंग रिट्रीट में 23 ध्वनि प्ले की जाएंगी ट्यून्स, उसमें से 22 इंडियन ट्यून्स हैं और केवल एक अबाइड विद मी एक वेस्टर्न ट्यून, स्कॉटिश ट्यून, और उसका एक बड़ा महत्व है जो अगर आप उसके वर्ड्स पढ़ें वो किसी देश को, किसी जगह को, किसी रिलीजन को नहीं दर्शाता, परंतु एक एक सोल्जर जो फील करता है जब अपने एरिया में होता है, जब लड़ाई करता है, जब लोनलीनेस फील करता है, दुश्मन को देखता है, अपने सहपाठियों को देखता है जो इंजर्ड हैं, उसमें से एक आवाज निकलती है, वो अबाइड विद मी। परंतु आप अगर देखिएगा ओवर 2016 और 17 में मैं वहीं था, चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी हमने स्टार्ट करवाया था और बहुत ही वो सक्सेसफुल रहा है, और वाकई बहुत अच्छा लगता है जब राजपथ पर सारे लोग एकत्रित होते हैं। ये देखिए राष्ट्रपति का काफिला निकला है, ये राष्ट्रपति भवन का फोकोर्ट है जहां से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि बीते कई सालों से, यानी जब शुरुआत हुई थी 1952 में पहला बीटिंग रिट्रीट हुआ, उसे एक औपचारिक आकार दिया गया उस समारोह को, उसके बाद से 1952 से जो लगातार शुरू हुआ, कभी बग्घी की शक्ल में, कभी अलग अलग पर भी आयोजन हुआ, दो बार आयोजन नहीं भी हुआ, लेकिन जब राष्ट्रपति यहां से निकलते हैं और उनके अंगरक्षक उनके साथ 15.5 हाथ के घोड़े उनके, उस पर जो जवान सवार हैं उनमें किसी की भी जो हाइट है वो 6 फुट से कम नहीं हो सकती है, और उनके जो भाले होते हैं वो 9-9 फीट के रहते हैं, तो एक अजीब, एक बहुत ही खूबसूरत, एक विहंगम दृश्य होता है। और ये इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में, हमारे देश में होता है। अगर आपको याद है एक क्लासिकल सॉन्ग था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जी जी। आप लीव नहीं करेंगे, इसमें 926 जवान है और 3 ऑफिसर 926 जवान हैं जो एक साथ क्रेसेंडो जो है ट्यून प्ले करते हैं, और ये गाने नहीं है, क्योंकि हमारे जमाने में रन बुंड पूरे बजते थे, पुराने जमाने में सॉरी ड्रम बजते थे, वो आपके खून को जो है खुलवाते हैं, जैसे वो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, आप बैठ नहीं सकते, आप में लगता है आप में जोश पैदा होता है, ये जवानों में जोश पैदा होने के लिए किया जाता था। और रिट्रीट, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो जवानों को वापस बैरक में बुलाने के लिए ये ड्रम्स प्ले किए जाते थे, और रिट्रीट जब प्ले करेंगे उसमें आप देखिएगा सारे क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि वो आप लास्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो शहादत जिन्होंने प्राप्त की। तो जो गणतंत्र दिवस पर हम देखते हैं क्रम, आप लगभग वही देख सकते हैं यहाँ पर,
प्रधानमंत्री सबसे पहले एक तरह से मेजबानी अगवानी करने के लिए सबके यहाँ पर आते हैं, उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति आएंगे जिनका स्वागत अभी अभी किया उन्होंने वेंकैया नायडू का, और इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति आएंगे उसके बाद औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री भी दोनों आप साथ में प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं, और ऐसा पहली बार इस बार जैसा अभी पीके मिश्रा जी ने जिक्र किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत इस समय वो खड़े हुए आपको वहां दिखाई दे रहे हैं, पहली बार ये मौका है, और साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी वहां अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति महोदय की इस समय खड़े हैं। लार्ज ऑन पीपल्स फेसेस एज द डिग्निटरीज, जैसे राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते हैं जो घुड़सवार दस्ता, वैसे ही बीएसएफ के जो होते हैं वो ऊंट सवार दस्ते रायसीना हिल्स पर। आपने कैमल आज जो है वही कैमल कंटिजेंट जो रिपब्लिक डे पर आप देखे थे, वो अभी उनको सजावट करके रखा गया है, वो भी 6 फीट के जो जवान है उनको सेलेक्ट किया गया है। अब 1955 से जब प्रेसिडेंट सुकर्णो आए थे तब भी बजा था बिटिंग द रिट्रीट पर, ऑफकोर्स वो नहीं थे, हमारा प्रेसिडेंट सैल्यूट लिए थे, लेकिन तब भी बता कदम बढ़ाए जाओ, कदम मिलाए जाओ, पीछे हटना काम नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आज भी बजाया जा रहा है। और मैं जनरल साहब से भी सब बिल्कुल सहमत हूँ, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, ये है हमारे जवान जो रिपब्लिक डे के लिए इतना काम करके आए हैं, उनको 3 दिन के बाद अपने बैरक को आज वापस जाएंगे। अभी तो कदम कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो राष्ट्रपति अंगरक्षकों का जो घुड़सवार दस्ता है और जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, ये इतना रोबीला सजीला रेजिमेंट है कि इसे देखकर ही एक अजीब सी अनुभूति होती है। आप इतना समझिए कि ये सिर्फ घुड़सवारी में नहीं ट्रेन है, ये चूंकि आर्मर्ड कोर से आते हैं, इन्हें टैंक को चलाने में महारत हासिल है, ये पैरा ट्रेनिंग इनकी होती है पैराशूट रेजिमेंट के साथ, ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में ये सियाचिन में भी जाकर सर्व करके आते हैं। ये 1773 से ये ओल्डेस्ट रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट के बड़े काम हैं, वॉर में भी काम है, पीस में भी काम है, और ये सबसे विचित्र विशेष रेजिमेंट है वर्ल्ड में, ऐसी रेजिमेंट कहीं नहीं है। और दूसरी बात उसने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, 4 दिन के हर्ष उल्लास से अभी ये रिट्रीट हो रहा है, परंतु जितने जवान होते हैं उनको एक बड़ी उदासी सी छाई होती है, क्योंकि अब जो है इसके बाद में वो वापस अपनी अपनी यूनिटों में चले जाते हैं, बड़ा एक उदास सा एक माहौल भी उस टाइम पैदा होता है कि सारे जो है इवेंट्स खत्म हुए हैं, इतने महीनों से सारे लड़के इतने ट्रेन करते हैं और आज जो है उनको वापस जाना पड़ता है, एक बड़ा एक उदास सा मोमेंट भी होता है। ये बिगुल कहिए, ब्यूगल कहिए, उसकी आवाज आप सुन रहे हैं, ये आरंभ का धुन है, और युद्ध भूमि में भी ऐसा ही होता था कि उसके पूरे शोर शराबे में ये एक आवाज होती थी जो बिल्कुल अलग सुनाई, ये ट्रम्पेट को, ये जो ट्रम्पेट है, आपको जब भी युद्ध भूमि में जब शाम को युद्ध खत्म होता है तब ये ट्रम्पेट आपको सुनाई देगा, और वही जो आज हमारे योद्धा जो देखेंगे कि ठीक है आज हमारे रिपब्लिक डे खत्म हो, एक महीने से वो यह दिल्ली में है, प्रिपरेशन करता रहता है। ट्रम्पेट का कोई हिंदी शब्द नहीं है सर, मेरे ख्याल से राजस्थान का है वो रण भंकूरा है, अच्छा मेरे विचार से रण भंकूरा एक वो होता, उसका देखना पड़ेगा, रण भेरी या बिगुल जिसे आप कहते हैं, हालांकि बिगुल छोटा है, बिगुल अलग है, ट्रम्पेट हो गया रण भेरी। क्वीन विक्टोरिया और किंग फिलिप्स को भी यही ट्रम्पेट बजाया गया था, उनके लिए भी 1950 पर यही ट्रम्पेट बजाया गया था। वैसे एक शब्द और है तुरही जिसे कहा जाता है, लेकिन केवल आकार का अंतर है दोनों में, रण भंकूरा भी वो आधे चंद्रमा के आकार का होता है, ये सीधे बिल्कुल सीधा लंबा सा जी। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग वहां बैठे हैं आज इस मौसम में, खासतौर पर जहाँ दिल्ली की सर्दी का एहसास भी है, धूप जाती हुई इस समय और सूर्यास्त के समय ये बीटिंग रिट्रीट होता है, उस मौसम के साथ इस संगीत का मजा कई गुना बढ़ जाता है। सर ये लगभग कितना समय होता है फोकोर्ट से लेकर? 1 घंटे का होता है, नहीं ये राष्ट्रपति का काफिला यहाँ पर पहुंचने 5:30 बजे आते हैं और 6:15 बजे जो है विदा लेते हैं, उसके बाद में रिट्रीट होती है, तो एग्जैक्टली 1 घंटे का 23 ट्यून बजाए जाते हैं। और 2016 से पहले हमारे पास केवल आर्मी एयरफोर्स और नेवी बैंड्स ट्यून प्ले करती थी, 2016 के बाद में
सीएपीएफ इंक्लूड किया गया, बीएसएफ है इसमें, सीआईएसएफ है और एसएसबी के बैंड हैं इस बारी, और बहुत गर्व महसूस करते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि हम उन्हीं के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के व्यूपॉइंट में रहते हैं, ये मिक्स्ड व्यूपॉइंट होता है, सेम जवान बॉर्डर आउटपोस्ट है, सेम जवान, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जो है वो हमें पता है कैमल्स, जब हमारा कैमल्स को लोड करके उसको वापिस लेंगे राजस्थान में, वैसे मालबार का जो वहां पर होगा उनके लिए तैयारी तो होता है, लेकिन वो जो जो हमारे लड़के हैं जो कैमल के कंटिजेंट के साथ है, बड़ा दुखी है क्योंकि दिल्ली छोड़ करके उनको फिर जाना पड़ेगा। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंच गए हैं, और अब जितने भी यहां पर विशिष्ट मेहमान हैं मौजूद, सब राष्ट्रपति के सम्मान में इस समय भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का विजय चौक से मिले, अभी तीनों चीफ ऑफ स्टाफ से अभी मिल रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। तो राष्ट्रपति के इस स्वागत के साथ ही यहां पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत हो जाएगी, और दिल्ली की ठंड का जो परिचय है वो राष्ट्रपति के पहनावे में भी साफ साफ दिख रहा है यहां पर, लेकिन बीटिंग द रिट्रीट में कम से कम मौसम साफ है, दोनों दिन मौसम साफ रहा, ये अच्छी चीज। धुन बज रही थी जनरल मन की, और देखिए राष्ट्रपति सलामी ले रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होठ साथ साथ हिल रहे थे, वो साथ साथ जनगण मन गा रहे थे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, मैंने देखा हर जगह ये जरूर जनगण मन गाते हैं जोर से, नॉर्मल नहीं गाते हैं, नॉर्मल नहीं करते हैं, जोर से गाते हैं, और एक बड़ा अच्छा एक दृश्य है। राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस वहां पर सल्यूट करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को, और जो बाकी लोगों से अपेक्षा भी ये होती है कि वो सावधान की मुद्रा में रहें, लेकिन राष्ट्रगान है तो उसे अगर खुद से गाया जाए तो उसका भाव अलग ही होता है। मेरे को जो लगता है आज जितने वहां पर लोग बैठे हैं सभी राष्ट्रगान गाए होंगे, और उसमें कोई कमी किसी को रखना नहीं चाहिए, ये हमारा राष्ट्रगान। और सबसे बड़ा मजेदार एक वाकया होता है कि जैसे ये राष्ट्रगान खत्म होता है तीन चार लोग चलाते हैं भारत माता की, और सारी दुनिया फिर जय चलाते हैं, वो एक अलग ही उसका माहौल ही अलग होता है। यहाँ स्टूडियो में खड़े खड़े जी कर रहा था, हम भी जोर से गए। चलिए चूंकि शुरुआत हो रही है, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं ये धुन।
अच्छा बीएसएफ सॉन्ग के। ये एक चीज समझ में नहीं आती है, ये जो फौजी होते हैं इतने बड़े कलाकार कैसे होते हैं? आप लोग लिखते भी खुद हैं बताइए, और उसमें जो कंपोजर्स हैं वो सब जैसे पहला भी अभियान का भी बता रहे हैं, डायरेक्टर भी हैं जी आपके सामने। बीएसएफ का पहला एक ही फिल्म जो है टैंगो चार्ली, उसके को डायरेक्टर बैठे हुए आपके पास, टैंगो चार्ली को डायरेक्टर। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि एक तरफ यूनिफॉर्म और दूसरी तरफ कला। सब जितने भी यूनिफॉर्म सोल्जर्स हैं, ऑफिसर, जीसीओस, ओआरएस, वो हर चीज कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करा लो हम सब कुछ कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लड़ाई, ब्रिज बनाना, रेल ट्रैक लगाना, कुछ भी हम सब कर सकते हैं। फिट करेंगे प्यारा गुलशन अपना, प्यारा गुलशन अपना। नरसिंह राव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये स्मॉल मूवी बनाता श्रीनगर का मिलिटेंसी के बारे में जी, और उसमें जो हीरो बने थे उस पिक्चर में, आप फिट करिए, शायद वो भी आपके सामने यहाँ बैठे हुए। प्यारा गुलशन अपना, अब ये पाइप एंड ड्रम्स बैंड, अब 6 ट्यून जो हैं पाइप बैंड खेली जाएंगी, उसके बाद में CAPF मास बैंड चलेगा, और ये है लोरेको रियो रियो माए, सुबेदार जमान सिंह ने ये कंपोज किया हुआ, जेसी ओवाज ने हमारा कंपोज किए हुए ये गाने, और इसका ट्यून बहुत ही मधुर होता है ये बैग पाइप्स का। इसमें बैग में हवा भरी जाती है फूंक मार के, और फिर उसको दबाया जाता है अपने सीने से, बगल से सीने से दबाया जाता है ताकि उसमें से हवा निकले, और फिर वो प्ले कर दे। और ये बैग पाइप एक्चुअली स्कॉटलैंड की फेमस इंस्ट्रूमेंट है, ये वहाँ से इख्तियार किए गए हैं, इंडिया में क्या हर पूरे वर्ल्ड में भी इख्तियार किए गए। दो मेन होते हैं, एक कंडक्टर और एक जो बेस ड्रम। जब बेस ड्रम आपका डबल हिट मारेगा तो मतलब चाल बदली होगी, और जो आगे एक ऑफिसर जेसीओ जो भी होता है जो कंडक्ट करता है इसमें। पाइप और जो ड्रम बैंड हैं वो 22 गार्ड्स, 11 जैकरिफ, 1 जैकलाई, 4 गढ़वाल राइफल, 49 GR, 2 गढ़वाल राइफल और 5/5 गुरखा राइफल की जवान।
नॉर्मली आप इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे सामने उसके नोट्स लिखे होते हैं, इनमें किसी के पास नोट्स नहीं है। तो संगीत को अविरल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं अनुशासित संगीत से, एक सुर में प्ले कर रहे हैं, वो एक बड़ी क्षमता की जरूरत है। सॉन्ग आपके बज रहे हैं, इनको प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट दे दिया जाता है बिफोर ये आके खेलते हैं। इसको आग में थोड़ा सा इसको हीट किया जाता है, वैक्स लगाई जाती है ताकि ये उतनी उसकी आवाज़ निकले जितनी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव हुए हैं जहाँ पर ये परफॉर्मेंस होता है। पहले उतनी संख्या में स्पीकर्स अकाउस्टिक्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जो 2016 के बाद से वहाँ पर देना शुरू किया गया है, तो वहाँ पर एक अलग ही छटा होती है और खासकर लाइटिंग में भी बदलाव किया गया है। और हम लोगों ने जब 2016-17 में हमने बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगवाए थे ताकि बाकी दूर वाले जनता को भी दिखाई दे जी, नो क्लोज शॉट्स जैसे हम टीवी पे देख रहे हैं वही है। हाँ जी, लगा हुआ ये 2016 से हमने स्टार्ट करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ओम बिरला के साथ दिख रहे हैं और वो अपनी कुर्सी के हत्थे पर जितने थाप दे सकते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से। मैं जनरल साहब से एक बहुत अच्छा चीज सीखा, उन्होंने बताया कि स्क्रीन लगाए हुए हैं ताकि बाहर में जो जनता अंदर नहीं आ सके वो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरे को इसलिए जो बीटिंग द रिट्रीट हुआ वाघा में 26 तारीख को 10,000 लोग जो थे वो अंदर नहीं जा सके, क्योंकि 30,000 का कैपेसिटी था, 10,000 बाहर खड़े रहे। अब ये जो स्क्रीन है बड़ा वाला स्क्रीन, हम 5 जो है उसको बाहर में लगाएंगे, 1 किलोमीटर दूरी तक हम लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे बताए जनरल साहब, ये इसको हम नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त को ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपने बताया, आई एम रियली ग्रेटफुल। और सर ये अभी CAPF का बैंड है, ये विजय भारत क्विक मार्च, ये क्विक मार्च हमारा CRPF BSF दोनों का मिक्स ब्रांड, ITBP भी है इसमें। तीन साल हुआ इन्होंने बेटिंग द रिट्रीट पर ज्वाइन करना शुरू किए हैं और बहुत अच्छे बाजार है, आर्मी के साथ डिफेंस के साथ उनको मिलाया गया है और इसमें फायदा दोनों सर्विसेज को होता है, हम इनसे सीखते हैं ये हमसे सीखते हैं, तालमेल करके जो है और काम भी हम तालमेल से ही करते हैं। स्लो मार्च, और ये स्लो मार्च है आकाश गंगा, इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडे ने ये कंपोज किया हुआ है, आकाश गंगा, कितना मधुर धुन है। ये देखिए ये कंडक्टर आ गए हैं अभी जो बैंड को कंडक्ट कर रहे हैं, बैंड मास्टर। ऐसे धुन सुन के हम जैसे स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आप सोचिए अगर आप वहां पर हो कितना आनंद आता है, ये इतने अच्छे अच्छे ट्यून सुनिएगा, जोश भी आता है जो दूसरे बजेंगे ट्यून्स।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रधानमंत्री जी क्लैपिंग कर रहे हैं। इस धुन का नाम है एस्ट्रोनॉट और कंपोज किया हुआ है जे ए जॉर्ज वी एस एन, इंडियन ही है, भारतीय है, सारे गाने जो है धुने सब भारतीय है। इसके बाद जो है एयरफोर्स का बैंड आएगा और वो प्ले करेगा। अभी चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शक दीर्घा की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री इस बीटिंग रिट्रीट का आनंद उठाते हुए आपको दिखेंगे और बाकी विशिष्ट अतिथि भी नजर आते हैं, और साथ में आप देखिए कि किस तरीके से धुनों में एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे में मिलते चले जा रहे हैं सब, और उसके साथ ही वो बदलती हुई आकृतियां उस पर भी आप नजर डालिए क्योंकि हर एक चीज का मतलब होता है। और यहां स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो आपको इसी का महत्व साथ साथ में समझाते चल रहे हैं। इस लहरा कर चलने में भी एक बिल्कुल उसमें भी अपना जोश है, उसमें भी आनंद है जी। और जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अजय वो झूम ही जाते हैं उनके साथ, उनके साथ वो झूमते, तरंग के साथ वो झूमते ही रहते हैं और ये सिर्फ आनंद लेते हैं और आनंद देते भी हैं। ये एयरफोर्स का बैंड प्रवेश कर चुका है, ये एयरफोर्स का बैंड है। पहले एयरफोर्स का बैंड प्ले करेगा, उसके बाद नेवल बैंड और फिर मास्ट बैंड, मिलिट्री बैंड के बाद में मास्ट बैंड। और ये दिखाई देता है, इनकी ड्रेस देखिएगा, नीले रंग की ड्रेस है, कैप भी नीले रंग की है और बेल्ट भी नीले रंग की है, और एयरफोर्स का ड्रम के ऊपर इंसिग्निया बना हुआ है जिससे दूर से दिखाई देता है ये एयरफोर्स के जवान। जो उत्तरी सीमाएं हैं वो आप धुन सुन सकते हैं और उनका आकार कुछ कुछ आपको एक विमान के स्वरूप ही नजर आएगा जो उनकी असली ताकत है, आसमानी शक्ति। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पे के आकाश पथ पर आप देखते हैं उड़ान भरते हुए। अभी आनंद लीजिए इनके संगीत। और ये सारी धुनें जो हैं भारतीय धुनें हैं, एबाइड विद मी छोड़कर वो बाद में मैं बताऊंगा आपको जब एंड में आएगा, उसमें एक राष्ट्र भावना और राष्ट्र एकता जागरण होते लोगों में, जवानों को तो छोड़िए लोगों में, जितने लोग देख रहे हैं वहां पर और जो सुन रहे हैं टीवी पे या रेडियो पे। ये दोनों इंस्पिरेटो और विंग कमांडर जयाचंद्र वीएसएम ने ये कंपोज किया हुआ, ये अलग विचित्र है अगर आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा विशेष टाइप ऑफ म्यूजिक है, इंस्पिरेटो इंस्पायर करना। कितना खूबसूरत माहौल बांधता हुआ क्लैरिनेट।
मेरे बिछड़े वतन तुम दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू। और ऐसे महसूस होता है आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये गाना सुनते वक्त, तू ही मेरी जान। बड़ी पुरानी पिक्चर काबली वाला का ये गाना है। का नाम है सावन और ये कंपोज फ्लाइंग ऑफिसर रूपा चंद्रन ने किया। तो आप देख रही हैं कि फौजी जो है कुछ भी कर सकता है। यही मैं ऐड करना चाहता था, रिपब्लिक डे में देखे थे कैमल के ऊपर कैमल बैंड, और ये एक अजीब सा है इंडिया, सिर्फ इंडिया में है और कहीं नहीं है कैमल बैंड। और कई कई जगह ऐसा लगता है कि बीच बीच में खासतौर पर ऐसे परफॉर्मेंसेस के लिए तड़का भी लगाया गया, जैसे अभी बीच में फिल्मी गाना उसकी धुन आपने सुनी। ये बीट इस प्रकार से खिले जाते हैं ताकि आपका जो पल्स बीट है उसके साथ मिले, तो जोश बनाएगा आपका, पल्स बीट हाई होगा, एडर्नल हाई होगा। और जो और दूसरा गाना उन्होंने गाया था काबली वाला का, उसमें एक सूदिंग इफेक्ट आपको आता है। पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर, सुब्रतो इस धुन का नाम ही सुब्रतो है। मुझे लगता है एयरफोर्स ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया एयरफोर्स के बैंड ने, जो अब देखना है कि नेवी और आर्मी के बैंड्स क्या करते हैं। ये अद्भुत परफॉर्मेंस एयरफोर्स। और दिलचस्प बात देखिए संगीत के बारे में, खासतौर पर जो भारतीय संगीत के पक्षधर है वो कहते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक में आपके पांव हिलते हैं, भारतीय संगीत के साथ आपका सर हिलता है, लेकिन इसको आप सुनिए तो आपके पांव और आपका सर दोनों साथ साथ हिलते हैं और आपका धर भी हिलेगा। और मैं आपको ये बताऊं, ये एक सीक्रेट है वैसे, कि इन सब में आर्मी एयरफोर्स और नेवी में होड़ मिली होती कि आज स्पेशल क्या करेंगे, वो सीक्रेटली प्रैक्टिस करते हैं सब, पता नहीं चलता आखिरी मोमेंट तक कि आज क्या खेलेंगे वो। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। बाकी एक ऐसा एहसास कि आपको लगे कि आप अपनी जगह पर उठकर तालियां बजा सकते हैं। IAF लिखा हुआ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, नभस स्पृशम दीप्तम, यानी आसमान को छूने की जो उनकी उनका आदर्श वाक्य है वो आप समझ लीजिए कि इस परफॉर्मेंस से उन्होंने वाकई छू लिया। और आज देशवासियों को बताना चाहता हूँ, मैं बड़े गर्व से यहाँ बैठा हूँ और मेरे 3 कोर्समेट, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ आर्मी, वो इस दृश्य को देख रहे हैं और मैं ये दृश्य उनके साथ देख रहा हूँ। ये मेरे से ये इससे बड़ा गर्व आपके कोर्समेट है। हाँ जी सर, वो सबसे अद्भुत बैच है, वो सबसे अद्भुत बैच हमारा। एक बार पहले हुआ है 56 MBA है सर, एक बार पहले हुआ था, दूसरी बार हुआ है, ये 56 MBA है। और हम सब
450 कोर्समेट है, सबका सीना 56 इंच का आज की तारीख में 56 इंच है बिल्कुल। और जो हम ट्रेनिंग कर चुके हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, एक्चुअली ये दिन है जब हम तीनों सर्विसेज इकट्ठे होकर काम करेंगे, और आप देखिएगा आगे तीनों हमारे जो चीफ हैं क्या सही काम करेंगे, देखिए देश के लिए बहुत गर्व का मौका है हम सब के लिए। एयरफोर्स के बाद नेवी, अभी नेवी बैंड, नौसेना का बैंड यहाँ पर आएगा। वैसे जब आप 26 जनवरी सुनते हैं तो वो मार्चिंग दस्ते को उनका कदम ताल, उनके कदम ताल के लिए मार्चिंग दस्तों के पीछे पीछे आपको हर 2 से 3 दस्तों के पीछे आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आज इन्हीं का दिन होता है पूरी तरीके से, और इसीलिए अब हम ये समुद्र मंथन को, समुद्र मंथन ही कहा जा रहा है उसे। और आप देखिए कितना सीमलेस है, एयरफोर्स वालों का बैंड धीरे हो गया, उसी टाइम नेवी वाला स्टार्ट हो गया, इतना सीमलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्यून्स है कि दोनों में फर्क नहीं पता चलता। समुद्र मंथन देखने के लिए सियाम रिप जाना जरूरत नहीं है, यहीं देख सकते हैं विजय चौक में। इसको कंपोज भी किया हुआ है कमांडर रॉड्रिक्स ने, इंडियन नेवी के हैं। बारी देखना है कि नेवी, अब नेवी क्या विचित्र चीज है, विशेष क्यों प्ले करेगी, एयरफोर्स ने तो अपना काम दिखा दिया, अब नेवी करेगी। इसमें भी इनाम मिलेगा बिल्कुल 26 जनवरी की तरह, गणतंत्र दिवस की तरह यहाँ भी इनाम होता है। कौन सा बैंड है जो सबसे अच्छा यहाँ पर, जिसने सबका मन मोह लिया, और बहुत सारी चीजों पर इसकी इसके अंक मिलते हैं। इस बार पैराड में तो पैरामिलिट्री में CISF ने पहला नंबर दिया है। ये इसका नाम है सागर प्रहारी बल, सागर प्रहरी बल मोहन छेत्री ने ये कंपोज किया है। जाते हुए जो ये नौसेना का बैंड है, ये एक तरह से समुद्र की लहरों को ही प्रतीकात्मक तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से लहरें और उन लहरों के ये प्रहरी, जैसे कि आप समतल पानी के ऊपर एक पत्थर गिराएं तो उसकी वेव्स निकलती है सर्कल में, मेरे ख्याल से वही दर्शा रहे हैं। तरंगे, सारी तरंगे, वो रिपल्स दिखाने की कोशिश है। ख्याल से ये स्टारफिश का उन्होंने एक बनाया हुआ है शेप।
सर साहब के पैर देखिएगा, वो भी थिरक रहे क्योंकि ये ट्यून जो है थोड़ा कैची कैची ट्यून है। देखिए ये नाव चल रही है, ये एक जगह स्थगित नहीं है, ये चल रही है, लहरों में चल रही है। भारती का ये धुन जो कि कोमोडोर जे रॉड्रिग्स द्वारा निर्मित है, और एग्जिट का इससे बेहतर क्या तरीका कि जो नाविक हैं वो नाव ही बनाकर और उसी तरीके से मार्च कर रहे हैं। आप सोचिए कि संगीत और अनुशासन का कैसा संतुलन ये नजर आ रहा है इस समय। और ये पूरा जब परफॉर्मेंस होता है तो एक और तस्वीर जो बहुत बहुत ज्यादा प्रेरित करती है वो ये है कि घोड़े भी उतने ही अनुशासन खड़े हैं और वहां पर जो ऊंट भी है वो वैसे ही खड़े हैं, और उनकी भी ट्रेनिंग इसके लिए होती है कि आप उतने घंटे कैमल तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये बिगल नहीं बजेगा, आखिर बिगल नहीं बजेगा, वो हिलेंगे नहीं। ऐसे धुन को वैसे वो भी एंजॉय ही करते हैं, वो एंजॉय करते रहते हैं कैमल, वो बातें करते हैं। एनिमल्स बातें करते हैं, जैसे फूल पत्ते भी बात करते हैं, जैसे ये कैमल्स जो हैं बिल्कुल डॉग्स के जैसे वो आपसे बात करते हैं। बीकानेर में जैसलमेर में अभी तक आर्मी का बैंड नहीं आया, एयरफोर्स और नेवी का मेरे को लगता है नेवी का बैंड अभी बाकी है, नंबर वन है। आपको नेवी नंबर वन लग अभी तक? अभी आर्मी का बैंड आया है, एयरफोर्स नंबर वन लग रहा है अभी तक। ओके, मेरे को नेवी का अच्छा लगा। देखते हैं कि जो अब ये नेवी बैंड का समापन हुआ है और इसके साथ ही मिल जाएगी धुन मिलिट्री बैंड की, आर्मी बैंड की। अभी आर्मी बैंड मिल चुकी है, मिल चुकी है। और देखिए सीमलेस एंट्री होती है, एक निकलता है दूसरा अंदर आता है, और कहीं कोई पॉज नहीं आता, कहीं कोई ब्रेक नहीं आता, उसके बावजूद किसी को शोर जैसी फीलिंग नहीं आती कि शोर हो रहा है। दो अलग अलग बैंड्स हैं, दो अलग अलग तरीके के वादक हैं उनमें, और दो अलग अलग तरीके की रचनाएं वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सीमलेस शुरुआत आप मिलिट्री के बैंड की, आर्मी के बैंड की आप इस समय देख रहे हैं। मेजर विमल जोशी के शांति पथ की धुन पर आप शुरुआत सुन रहे हैं।
साल तक प्रैक्टिस करते हैं। जब सिलेक्शन जैसे अभी 2021 का सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है कि कौन सी यूनिट्स आएंगी या कौन से रेजिमेंट्स आएंगी, और एक साल पहले इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है अपने सेंटरों में। मार्चिंग के लिए कम से कम 8-9 महीने पहले स्टार्ट हो जाते हैं। रिपब्लिक देखें मार्चिंग का सर, इसमें तो आना जो है बहुत मुश्किल है। मैंने भी यंग ऑफिसरों की बड़ी कोशिश की थी, हर टाइम रिजेक्ट हो गया था। फाइनली एज चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया मेजर जनरल के रैंक पे आके मेरे को मौका मिला 26 जनवरी के परेड में। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, सिलेक्शन बहुत ही अलग अलग ड्रेसिंग है तो आपको अगर रेजिमेंट की पहचान है उसके कलर की पहचान है तब आप बता सकते हैं। एयरफोर्स नेवी में एक है जो पीछे खड़े हैं वो गुरखा से हैं, जिन्होंने एक गोल सा उसको बोलते हैं पॉम पॉम, वो पहन रखा है काला पॉम पॉम, लाल पॉम पॉम या गुरखा देखा होगा आपने, वो यहाँ पे फेदर लगाते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। ये मेड्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के उन्होंने कैप पहने हुए हैं जो टेढ़े से हैं, वो अलग है। आप बताइएगा इसमें आपकी पूरी बॉडी नहीं थरकती है? ऐ वतन ऐ वतन मुझको तेरी कसम है।
साथ ही भारत महान की धुन जो कि मेजर अशोक कुमार उन्होंने कंपोज इसे किया है, और मुझे लगता है ये बीच वाली धुन से जिन सहाय हो सकता है आप ही स्कोर कर ले एफओस के ऊपर। अभी तक मुझे तो एफओस ही बेहतर सर, तो आप ही के होने के नाते आप ही को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एयरफोर्स से नंबर वन रहा, नो डाउट, नो डाउट। देखिए ऐसा है कि ठीक है, हमें तीनों चीफ मेरे कोच में थे तो मैं मतलब तीनों ही अच्छे हैं, मैं किसी का साइड नहीं ले सकता। ये ट्राई सर्विस स्पिरिट है कि सब ठीक है, बहुत ही बढ़िया सब निकला। पर्टिकुलर जो एयरोप्लेन का सेफ देकर के उन्होंने भजा एयरफोर्स का, बहुत अच्छा। और अब मास्ट बैंड्स आएंगे, मास्ट बैंड विथ ऑल फोर्सेस। पहले जो धुन है उसका नाम काफी आकर्षक है, जनरल टैपी, जनरल टैपी। ये कुछ चीजें हैं जो परंपरा के साथ चल रही हैं, कुछ चीजें परिवर्तित हुई हैं, कुछ चीजें साथ में मिल गई हैं। तो अब जनरल टैपी की धुन आप सुनेंगे, कंपोज्ड बाय सुविधार एलबी गुरुंग। सुविधार एलबी गुरुंग आप अभी देखें, सूरज भी ढल रहा है, धीरे धीरे डस्क आ रहा है वहां पर विजय पथ पर। तो फिर ये जो आपने बताया 962 जो एक साथ बजाते हैं, जो मास्ट बैंड्स की बारी आएगी तो ये एक सब साथ बजाएंगे, सब ये शुरू हो गया, ये स्टार्ट हो गया, मास्ट बैंड शुरू हो गया, जनरल अभी थापी का सब इकट्ठे आ रहे हैं। मैं वैसे ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से ये जनरल थापर के नाम पे होगा, मैं इतना मेरे को पक्का नहीं पता, तो टैपी या थापी जो लिखा हुआ उन्होंने उनके नाम पे, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर। जनरल तपीश्वर नारायण टीएन रैना, टीएन रैना को डेडिकेटेड है ये, और उनसे वाकई उनका उनका जो कार्यकाल रहा, उनके जो कारनामे रहे, वो सब अपने आप में इतने प्रेरणादायक रहे कि उनके नाम से ये धुन जो रोमांच से भर दे रही। बिल्कुल, वही मैं सोच रहा किसी न किसी चीफ के नाम पे होगा, वेरी राइट, जनरल रैना। क्योंकि जो भी ट्यून बजाते हैं उसका एक कैरेक्टर हो जाता है अगर आप उसको नाम दे देते हैं। अब ये ड्रमर्स कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सही मायने में जो बीटिंग द रिट्रीट हम आपको बता रहे हैं कि वो वापस ट्रूप्स को बुलाने के लिए, तो ये ड्रमर्स कॉल है, ये मोस्टली ड्रमर्स ही उनको बुलाते हैं जी, लड़ाई अभी खत्म हुआ, अब आप अपने बैरक को सहूलियत से जा सकते हो, ये परंपरा चलते आ रहा है। इसमें एयरफोर्स भी है, एयरफोर्स मास आर्मी है, ये सारा मास बैंड है सबका है। क्योंकि पुराने जमाने में कोई माइक नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो ये बैंड्स की तरफ ड्रमर्स से जो है जवानों को अपने बैरक्स में वापस बुलाया जाता था।
यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया इस साल, ये ड्रम नहीं था लास्ट ईयर। सर अच्छा है कि हर साल कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिल्कुल, ताकि देशवासियों को सुनाया जाए कि ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट कैसे किए गए हैं। और अब वो धुन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, यानी वंदे मातरम, जिसे पहली बार शामिल किया गया है बीटिंग द रिट्रीट समारोह में। नहीं, इस बारी बाइट विद मी से ही वो कर रहे हैं, वंदे मातरम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी वंदे मातरम, इसके बाद अबाइट विद मी। Thou who changes not, abide with thee. I fear no foe with thee, at hand to bless. Ills have no weight, and tears no bitterness.
हालांकि आपको बता दें कि जो आधिकारिक कार्यक्रम था जो दिया गया था उसमें वंदे मातरम और उसके बाद अबाइड विथ मी, लेकिन यहाँ अबाइड विथ मी की धुन हम सुन रहे हैं जनरल साहब। हाँ जी, वंदे मातरम की धुन इस प्रोग्राम से आउट है। अभी एंड मोमेंट में कोई किसी ने डिसीजन लिया होगा एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू कंटिन्यू विद अबाइड विद मी, और मेरे को किसी ने बताया कि अबाइड विद मी महात्मा गांधी जी को बहुत ही पसंद था और 30 जनवरी को उनकी एसासिनेशन हुआ था, मार्टर्स डे भी मनाया जाता है। मेरे विचार से शायद कि अबाइड विद मी से कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अबाइड विद मी से पहले इस कार्यक्रम में वंदे मातरम को लिस्ट किया गया था जो हमने सुना नहीं यहाँ पर। शायद तब भी हुई, मे भी, पता नहीं अभी। लेकिन जो धुन हमारे दर्शकों ने सुनी है वो अबाइड विद मी की है, जो कि महात्मा गांधी का को सबसे प्रिय था ये धुन, और इसीलिए हमेशा से इससे अंत किया जाता था बीटिंग रिट्रीट समारोह का। अब ये बिगल बजना शुरू हुआ, शाम हो चुका है विजय चौक पर। और ये रिट्रीट में जितने भी पुराने ज़माने में जवान थे वो अपने हथियार को अपने स्कैबेट में डाल देते थे ताकि उसके बाद में लड़ाई ना हो, और इसलिए वहाँ जो ये सुनते हैं सारे के सारे खड़े हो जाते हैं और सलूट करते हैं, यूनिफॉर्म वाले सलूट करते हैं, और जो भी आपके कलर्स हैं, नेशनल फ्लैग है, उसको धीरे धीरे से जो है नीचे लाया जाता है ताकि रात के लिए रेस्ट किया जाए और अगले दिन दोबारा लड़ाई कमेंस होती थी। ये इसका महत्व, वही परंपरा चल रहा है महाभारत में जैसे ही हुआ हर, था हर हाँ, ये एक देश का स्पेसिफिक नहीं है, हर देशों में यही होता है, होता था, सॉरी अभी नहीं होता, अब तो रात के समय, अब तो रात के समय रात को ही होता है, वरना जब ध्वज को नीचे उतारा जाता है तो अपने प्राणों से ज्यादा सहेज कर उस ध्वज को जो हमारे सैनिक हैं, चाहे कहीं पर भी इसका आयोजन हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप राजपथ पर यहाँ विजय चौक पर आप ये आयोजन देख रहे हैं, ये तो एक ऐसा आयोजन है जो पूरा देश देखता है। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है ये औपचारिक, लेकिन जब भी बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही जब राष्ट्रीय ध्वज को नीचे किया जाता है उसके बाद उसे प्राणों की तरह सहेज कर और राष्ट्र ध्वज जमीन पर कभी नहीं लगता, जमीन पर टिकाया नहीं जाता। अगर आप देखें ये एयरफोर्स के जवान हैं। समापन समारोह समाप्त हुआ, बहन को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। मेन कंडक्टर है, उन्होंने राष्ट्रपति से औपचारिक अनुमति लेते हैं और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को वहां से लेकर फोल्ड किया जाता है, उसे फोड़ा जाता है, उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है और कैसे उसे लेकर यहां से उसके बाद रवाना होंगे। अब बजेगा सारे जहां से अच्छा। अब ये फोल्ड हो रहा है, राष्ट्रीय ध्वज फोल्ड कर रहे हैं और पूरे बैंड जो हैं वापस जा रहे हैं ये धुन के साथ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये ध्वज फोल्ड करने का भी एक एग्जैक्ट तरीका होता है ताकि जो आपका चक्र है वो ऊपर दिखाई दे, वो चक्र फोल्ड नहीं होता। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति भवन पे होगी, जब लाइट जलेगी फिर देखिएगा सबके आवाजें निकलेंगी ओ करके, क्योंकि नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। संतरी हमारे वो पास बा हमारे,
226 जवान जो हैं ये धुन एकत्रित बजा रहे हैं। और इसके साथ ही फौज की बैरक वापसी भी संपन्न हुई। और देखिए कि समय के साथ कैसा ये तालमेल है कि वहां सूर्यास्त और यहां पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह संपन्न हुआ। हालांकि औपचारिकता पूरी तब होगी जब राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ यहां से रवाना हो जाएंगे। तैयारी उसी की आप देख रहे हैं जहां पर आप सभी को लगभग सावधान की मुद्रा में इस खूबसूरत रंगारंग बीटिंग द रिट्रीट समारोह के समापन पर सावधान की मुद्रा में देख रहे हैं। As dusk comes gently seeping down Raisina Hill, the mass bands. और धीरे धीरे जैसा आप जो ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं ये देखिए ये तिरंगे से रोशन हुआ, ये तिरंगे से रोशन हुआ और वहां तालियों की गड़गड़ाहट आप सुनिए, तालियों की वो गड़गड़ाहट सुनिए। आप सावधान मुद्रा में खड़े रक्षा मंत्री से लेकर CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को देखिए और सामने देखिए तिरंगे में कैसे इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है। पार्लियामेंट हाउस भी लगा हुआ है जी, बहुत खूबसूरत नजारा होता है। ये नजारा जो है बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। पहले जमाने में ऐसी लाइट अप नहीं होती थी, रंगों की लाइट अप नहीं होती थी। जब मैं कई साल पहले केवल लाइट की लड़ियां लगी थी, पर अब जो है रंगीन लाइट्स हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल। आपका जो कार्यकाल रहा जब आपने यहाँ पर पूरा संयोजन किया इसका एक तरह से, हाँ जी, वो उस टाइम से नहीं, कई साल पहले जो है केवल बल्ब लगते थे, पर अब जो है जो ये रंग देते हैं तिरंगे में वो अलग ही, उसमें अलग मजा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति को वापस राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाने के लिए, और जैसे ही राष्ट्रपति यहां से रवाना होंगे वैसे ही समारोह का औपचारिक समापन। Thank you.